हरदोई में डीएम एसपी ने निर्माणाधीन अर्जुनपुर पुल का निरीक्षण किया। पुल का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूर्ण होना है। पुल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पुल 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यह फरुखाबाद को हरदोई से जोड़ेगा। डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि दिसंबर 2023 तक यह पूर्ण जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुल की गुणवत्ता और कार्य पर संतोष व्यक्त किया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश किया कि पुल का निर्माण उसी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा दिसंबर 2023 तक पूर्ण कर लें। आपको बताते चलें, कटियारी के रहने वाले लोगों की आज़ादी के बाद से इस अर्जुन पुल की मांग थी। कई सरकारें आईं और वादा करके चली गईं। हर चुनाव में जनप्रतिनिधि अर्जुन पुल का वादा करते थे और चले जाते थे। अर्जुन पुल का मुद्दा निचले सदन से लेकर उच्च सदन तक उठाया गया। सदन में सिर्फ आवाजें उठीं, लेकिन पुल का सपना अब जाकर पूरा हुआ। अर्जुनपुर पुल बनने से हरदोई और फरुखाबाद के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, साथ ही लोगों के लिए आने जाने का माध्यम भी सुगम हो जाएगा। देखिए, जो हरदोई को फरुखाबाद से जोड़ने के लिए जो हरपालपुर में अर्जुनपुर पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसमें दिसंबर 2023 तक को इसको निर्माण पूरा होना है। इसमें 105 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, जिसमें 26 करोड़ की धनराशि ऑलरेडी दी जा चुकी है। इसमें पिलर्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो 47 पिलर बनने थे, और अब बीम और अपर डेक का कार्य चल रहा है और कार प्रगति संतोषजनक पाई गई है। क्योंकि अभी बाढ़ का भी सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसमें अभी थोड़े दिन तक सेप्टेम्बर एंड तक काम रुकेगा। परंतु उसमें उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैंने इनको निर्देशित किया है कि आप लोग जितने भी फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह जो यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह भेजने हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भिजवा कर इस पीरियड में उसको पूर्ण करा लिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको जो सही दिसंबर 2023 तक हम इसको